खुल गई तो दूसरी तरफ करतारपुरा नाले पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। यहां पर एक कार बारिश के पानी में फंस गई और कार में सवार दंपति को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। कड़ी मशक्कत से इनको बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक बैरिकेडिंग लगाकर नाले का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि कुछ साल पहले भी एक युवक की इसी नाले में बहने की वजह से मौत हुई थी और नाला बारिश के दौरान उफान पर आ जाता है। हर बार ये समस्या यहां पर होती है, लेकिन जेडीए हो, नगर निगम हो या फिर जिला प्रशासन, इसके कोई समाधान अभी तक खोजे नहीं जा पाए। अर्जुन नगर अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है, ये भी खबर मिल रही है और कहा जा रहा है कि एक युवक यहां पर डूबने से बाल बाल बचा है। तो आप देखिए दो तस्वीरें, ये वैगनार कार जिस तरीके से फंसी हुई नजर आती है यहां पर, और एक और तस्वीर अंडरपास से जुड़ी हुई, और ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। हर बार ये कहा जाता है सिविक सोसाइटी की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, नालों की, नालियों की सफाई कर ली गई है, लेकिन जब जब बारिश होती है कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभर कर सामने आ जाती है। निकलो भाई, एक तो निकलो। का अंतिम सोमवार है इंद्रदेव, अंतिम सोमवार पर भोलेनाथ का जलधारा करते हुए दिख रहे हैं। सुबह से ही बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये बारिश कहीं खुशी तो कहीं मायूसी लेकर आई है, क्योंकि जहां एक तरफ लोगों के चेहरे खिले हुए हैं बारिश से, दूसरी तरफ जो रहमत बरस रही है उसे सिस्टम हमारा सजोने को तैयार नहीं है। जो दावे और वादे किए जाते हैं उन पर अक्सर खरे नहीं उतर रहे हैं, वो दावे और वादे केवल कागजों में समट कर रह गए हैं। जयपुर राजधानी का यह हाल है, जो चारदीवारी इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी भराव की समस्या आती है, उन इलाकों की ये तस्वीर है। सुबह दुकानों खुलने का समय हो गया है, दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। सुभाष चौक, चांदी की टकसाल, ब्रह्मपुरी, जोरावर सिंह गेट, रामगढ़ मोड़, जो चारदीवारी इलाका है, जो चांदपोल है, जोहरी बाज़ार है, या हम रामगंज की बात करें या चार दरवाजे की बात करें, तो इन इलाकों में पानी भराव की सबसे ज़्यादा समस्या आती है और हर साल लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। अफसर दावे और वादे करते हैं, नए हाकिम बदल चुके हैं, जयपुर नगर निगम के मुखिया बदल चुके हैं, लेकिन सभी ने दावे किए कि इस बार कोई भी जो हर साल दिक्कतों का लोग सामना करते हैं वो दिक्कतों का सामना इस बार नहीं करना पड़ेगा। 800 से ज़्यादा नाले हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन करोड़ों रुपये कहाँ खर्च किए जाते हैं उनका अंदाज़ा आप इस सिस्टम से, इस खामियों से, इस पानी भराव से देख सकते हैं कि शायद वो करोड़ों रुपए इसी तरीके से पानी में बहकर निकल जाते हैं। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। तो लगातार देखने को मिल रही तस्वीरें इस तरीके से, और देखिए कहीं पर स्कूटर गिरा हुआ नजर आता है, कहीं पर पानी भरा हुआ।